डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड डियर साइंस, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम एक और एडमिशन रिगार्डिंग वीडियोस शेयर करने जा रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा के अंदर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बनाई गई, जो कि 2009 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया बिल के अंदर, और उसके अंतर्गत सभी स्टेट्स के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सीट्स थी वो कम होती चली गई, और इस कारण से फिर नई यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ी, और उनमें से एक पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हमारी, जो कि बठिंडा के गांव गुड्डा विलेज के अंदर एस्टेब्लिश की गई। और इसके अंदर कौन से कोर्सेज़ हैं, कैसे एडमिशन लेना है, कैसी इसकी रैंकिंग है, इसकी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। जिन चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ये चैनल कवर कर रहा है, ऑलमोस्ट एडमिशन ऑल ओवर द इंडिया ये कवर कर रहा है, और आने वाले समय के अंदर जो अब्रॉड की एडमिशन्स हैं उसको भी कॉलेज ये चैनल कवर करेगा। तो अभी हमारी शुरुआत है, और इस साल ये जो है हम आगे एक्सटेंड करते हुए ये नई वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि है पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब क्या कोर्सेज हैं। अब मैं सीधा लिए चलता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, देन कॉमर्स, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट, देन लॉ, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, फार्मेसी भी हैं यहाँ पर, और साइंस भी फैकल्टीज़ हैं। तो कौन से कोर्सेज इसके अंदर हैं उसके बारे में अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर हमारे पास क्या क्या हैं, इसमें एमए इकोनॉमिक्स 50 सीट्स, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 42 सीट्स, एमपीएड हैं यहाँ पर 40 सीट्स हैं, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमए हिंदी है यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और अन्य कोर्सेज, पंजाबी, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, एमपीए, एमलिब, ज्योग्राफी, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी एमए ज्योग्राफी, ये सारे हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर हम अब यहाँ पर पीजी कोर्सेज है और डॉक्टरेट पीएचडी यहाँ पर अवेलेबल है। किस किस में पीएचडी अवेलेबल है? पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, पंजाबी के अंदर, और अन्य कोर्सेज के अंदर भी यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे अपनी अगली जो है स्ट्रीम है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आप देख पा रहे हैं एम इकोनॉमिक्स और एम कॉम है यहाँ पर, और इसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पीएचडी अगर हम बात करें तो पीएचडी भी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में पीएचडी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे लिए चलता हूँ मैं आपको। कॉमर्स के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी की बात करें तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, एम टेक कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एम टेक साइबर सिक्योरिटी, और इसमें पीजी के कोर्सेज़ हैं, डॉक्टरेट के कोर्स भी यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पीएचडी भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद हम बात करें तो एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के अंदर हमारे पास पीजी के अंदर एमएड की पोस्टें हैं, और डॉक्टरेट अगर आप करना चाहते हैं तो डॉक्टरेट की भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट, इसके अंदर हम देख पाएंगे क्या क्या है, एम टेक कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, एम टेक साइबर सिक्योरिटी, और इसमें भी आप पीएचडी भी कर सकते हैं, पीएचडी की भी सीट्स यहाँ पर दी गई है। तो ये आप देख रहे हैं बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज है, यहाँ पर पीजी कोर्सेज हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर एलएलएम है हमारी 40 सीट्स हैं, और डॉक्टरेट पीएचडी लॉ के अंदर भी 14 सीट्स अवेलेबल है। तो लॉ के
कोर्सेज के बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास MBA एग्री बिजनेस है यहाँ पर, और डॉक्टरेट देखते हैं, डॉक्टरेट के अंदर भी आप यहाँ पर डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और उसके बाद डॉक्टरेट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, PhD इन मास कम्युनिकेशन। 6 सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करें मेडिसिन एंड अलाइड साइंस के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास MSc ह्यूमन जेनेटिक्स अवेलेबल है, और PhD की बात करें तो PhD भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मेडिसिन और ह्यूमन जेनेटिक्स में अवेलेबल है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, 2009 के अंदर इसकी स्थापना की गई। फार्मेसी की हम बात करें, फार्मेसी में एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, और इसके साथ हम अगर कुछ बच्चे PhD करना चाहते हों तो यहाँ पर PhD में भी एडमिशन कर सकते हैं। PhD फार्मास्यूटिकल साइंस 10 सीट्स हैं, फार्माकोलॉजी 5 सीट्स हैं, और इसके बाद हमारा रह गया सिर्फ साइंस। साइंस के अंदर हम देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, MSc फिज़िक्स, MSc केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जियोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स, और भी अन्य हैं, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेटिस्टिक, केमिकल साइंस, बायो इंफॉर्मेटिक्स, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशन केमिस्ट्री, कंसेप्चुअल फिजिक्स एंड MSc ज्योग्राफी। और अगर हम बात करें PhD की, तो हम PhD की बात करते हैं तो PhD देखते हैं किस किस में दिया हुआ है। तो ये हमारा एक PG और रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट है, PhD केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर है, एनवायरमेंटल, जियोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर बिजनेस, बायो इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बॉटनी एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये थी एक वीडियो जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं सीट्स के साथ यहाँ पर है, और अधिक जानकारी के लिए आपको मैं साइट पे ले चलता हूँ। ये इनकी साइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन जैसी आएगी तो मैं आपके साथ इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी इसके वीडियोस अपडेट्स नहीं आई हैं, जैसी एडमिशन की कोई बात आएगी तो मैं आपके साथ एकदम शेयर कर दूँगा। तो प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा की एक वीडियो जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कैसी लगी वीडियो ये आपने मेरे साथ शेयर करनी है, और धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।